ये स्टैट्स चलते कैसे? आप मतलब कनेक्ट कैसे करते हैं ये डॉट्स? हमारे यहाँ जो सिलेक्शंस होती है ना वो वाइब्स के ऊपर होती है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होती है, हवा किस तरफ चल रही है? आपके पर्सनल ओपिनियन में एंड देन सम स्टेट्स टू बैक बाबर आजम और मैं एक बात यहाँ पे जरूर ये करूंगा की बाबर आज का जो करियर है ना वनडे का तो सात आठ साल का बाकी जो करियर है वो पंद्रह बीस साल है अगर तो उस मान वाला आइडिया कामयाब हो जाए नंबर तीन के ऊपर

Uh, एक बंदा बंदा कैसे है? अगर मैं जैसे एक यू नो यंग लड़का हूँ तो खैर यंग ही रहा लेकिन अगर यंग होता तो हाउ डज़ वन बिकम क्रिकेटर समझ आती है एनालिस्ट भी समझ आती है राइटर भी समझ आती है स्टैटिस्टिशन कैसे बनता है अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं बना था तो उसके तीन चार महीने पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं बन सकता हूँ तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैंने परसू किया था तो जैसा कि आपने कहा कि आ, पहले ऑर्किड होता था फिर उसके बाद फेसबुक आया बिल्कुल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मेन मीडिया में अगर आप बात करें तो ये स्पिन एसपिन क्रिकिनफो था वहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स लिखे देन मेरा एक अपना जो है एक वेबसाइट हमने स्टार्ट की थी यहाँ पे इस्लामाबाद में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी उनके साथ मिलके क्रिक लेंस के नाम से बिल्कुल तो वो शौक था मेरा लेकिन जो मेरे मोस्टली जो आर्टिकल्स होते थे या जो मेरे ओपिनियंस होते थे ना वो नंबर्स और स्टैट्स बेस्ड होते थे यानी कि उसमें रिसर्च और फैक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे तो उस टाइम जो मेरे कोलग्स थे जो मेरे सीनियर्स थे मैं स्पेशली मेनशन करूँगा तारिक सईद साहब को जो कि इस टाइम बड़े वेल well नोन उर्दू कॉमेंटेटर हैं तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्योंकि उनको ब्रॉडकास्ट का भी आइडिया था तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है नंबर्स में और स्टैट्स में तो तुम जो हो ना वो थोड़ा ब्रॉडकास्ट में जो स्टैट्स होती हैं उसकी तरफ जो है ना हो तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ब्रॉडकास्ट में भी कोई स्टैट्स कोई चीज़ होती है एनी anyway, वे तो देन अगेन कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर जो है मैं कुछ लोगों को फॉलो किया करता था उसमें हेमंत बुच जो है वो स्पोर्ट्स में उस टाइम होते थे तो उनको मैंने जो है अपनी एक इस तरह छोटी सी जो है वो इंट्रो करवाया उनसे ई मेल्स पर कि मैं जो है इस तरह करना चाहता हूँ तो ही वॉज़ द फर्स्ट गाय जिसने कि मुझे टी वी ब्रॉडकास्ट में जो है वो अपॉर्चुनिटी थी देन उसके बाद आई थिंक जो मेरे लिए सबसे बड़ा जो ब्रेक था वो वर्ल्ड कप ट्वेंटी फिफ्टीन था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो वो स्टार स्पोर्ट्स जो है वो एक उस टाइम उनके पास राइट्स होते थे सारे प्रोडक्शन के भी और टी वी राइट्स भी तो उनके प्रोड्यूसर थे उस टाइम अजय रामाचंद्रन तो अब तो वाई सी सी में होते हैं तो तब उनको फिर जो है मैंने अप्रोच किया एंड ही गिव मी दैट ब्रेक तो hmm. वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपर्चुनिटी थी एंड देन आई थिंक जब मैंने सन्स एंड वाइन के साथ करना शुरू किया जो कि आईसीसी के प्रोडक्शन पार्टनर्स थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अभी भी लास्ट जो इवेंट है अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप उन्होंने की है तो वहाँ पर जो है फिर देन आई फाउंड पीपल लाइक गैविन स्कोवेल यू बेवन तो इन्होंने जो आई थिंक मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस जर्नी के अंदर तो आई थिंक ये कुछ लोग हैं जिन्होंने कि मुझे इस करियर में जो है वो स्टेबलिश होने का जो है वो मौका दिया और स्टेटिस्टिशन जो है अब तो आपके पास आई एम श्योर डेटा इतना आ गया है सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं एलग्रेजन आ गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप ऑन द फ्लाई कर रहे होते हैं या ऐसे होता है जैसे मिसाल के तौर पर संगाकारा ने दो सेंचुरी मारी हुई हैं तो आप देखते हैं कि किस तो और ने तीन मारी है know, है हुई हैं रो या आई डोंट नो कितनी हैट्रिक्स हुई हुई हैं पिंडी स्टेडियम में ये स्टैट्स आप कितने प्री प्लैंड होते हैं मतलब कितनी वर्किंग आपकी पहले से हो चुकी होती है बिफोर द गेम या कितना ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर सा होता है जिसके अंदर आप ऑन लाइव वर्किंग कर रहे होते हैं देखें उसमें बहुत सी चीज़ें आपको एंटिसिपेट करनी पड़ती हैं यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम ऑन टॉप ऑफ रिकॉर्ड्स एंड माइल आपको चीज़ें एंटिसपेट करनी पड़ती हैं कि यहाँ पर आज क्या हो सकता है कोई मैचअप अगर है लेट्स से के बाबर आज़म वर्सेज़ शाहीन अफरीदी है तो दोनों ने पहले एक दूसरे के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया वो तो ये आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है इसी तरह जिस तरह आपने एग्जांपल दी तो मुझे कई बार ऐसा हुआ है जिस तरह बाबर आजम थे उन्होंने जब फर्स्ट टाइम तीन सेंचरीज़ की थी कंजेकेटिवली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ट्वेंटी तो वो पहले से आपकी प्रेप थी इसी तरह यूई में एक और मैच था रॉस टेलर ने तीन कंज सेंचुरीज की थी वो पहले से आपकी प्रेप होती है तो आई थिंक ये फिफ्टी फिफ्टी है मोस्टली चीज़ें आपको पहले से तैयार होनी चाहिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो एंड देन जो असल जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप रियल टाइम क्या कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसी टाइम अगर हो जाए मतलब कि फॉर एग्जांपल एक हैट्रिक है तो वो आप एंटिसपेट नहीं कर कर आते कि आज हैट्रिक होगी या फास्टेस्ट सेंचुरी है फास्टेस्ट फिफ्टी है तो कई चीज़ें आपको जो है ना वो रियल टाइम करनी पड़ती हैं तो आई थिंक इसमें आपकी स्किल आती है कि आप जो चीज़ निकाल रहे हैं उसको कितना जल्दी निकाल सकते हैं एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब कि स्पेशली जब आपका करियर का स्टार्ट हो रहा होता है अगर उसमें आप अगर गलतियाँ करना शुरू करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं देन आपका करियर बिल्ड नहीं हो सकता क्योंकि जो लोग आपके इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं उनका आप ट्रस्ट नहीं जो है वो डेवलप हो सकता है बेशक आपकी जितनी मर्जी अच्छी स्किल हो तो आई थिंक एक्यूरेसी रियल टाइम चीज़ों को जल्दी निकालना स्पीड uh, जो है आई थिंक स्पीड हर चीज़ में जो है वो, वो ज़रूरी होती है तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि आप अपना करियर एक अच्छा बना सकते हैं अच्छा सर अब तो एक तो हो गया ना जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड है अच्छा मैं ये समझना चाह रहा हूँ अगर आप देखें मिसाल के तौर पे अमेरिकन स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा डेटा को यूज़ करती हैं अब तो यूरोपियन स्पोर्ट्स फ़ुटबॉल फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजंस हो रही हैं प्लेयर्स पे आपकी प्रोफाइलिंग पे एक्सेट्रा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आना शुरू हो गया ना जिस तरह बहुत सारी इस तरह के स्टैट्स मुझे भी आओ हफीज़ लेफ्ट को अच्छी कराता है वो ये करता है वो वो करता है इंटरनेशनली अब डेटा की यूसेज या स्टैट्स की यूसेज टीम्स कितना यूज कर रही हैं और कौन सी टीम्स हैं जो बहुत अच्छा यूज़ कर रही हैं देखें बहुत ही ज़्यादा अब तो आहिस्ता आस्ता तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि जितना वास्ट होता जा रहा है डेटा बेसिस रिसर्च आ, लोगों के पास जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन की तो और अब जो स्टैट्स हैं ना इवन जो ब्रॉडकास्ट के स्टैट्स हैं वो पहले आज से अगर आप दस पंद्रह साल पहले चले जाएँ तो बड़े बेसिक लेवल के स्टैट्स हुआ करते थे यानी कि फ्लां बॉल ने जो है वो अपने पिछले स्पेल में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी उसके पिछले दस मैचेस में क्या परफॉर्मेंस थी फास्टेस्ट सेंचरीज किस की अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कई कमेंटेटर्स और प्रोड्यूसर्स खुद ही निकाल लेते हैं गूगल के ऊपर जाएँ थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको मिल जाती है तो अब जो है आपका इवन जो ब्रॉडकास्ट में जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गए हैं यानी कि आपको ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी जो कि एक आम जनरल पब्लिक के लिए के पास अवेलेबल ना हो तो मतलब कि अगर तो, तो आप सिर्फ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वन प्लस वन टू प्लस टू मतलब कि अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही हैं जी की फास्टेस्ट फिफ्टीज की लिस्ट ये है तो ये तो बड़ी एक्सेसिबल है आजकल तो आपको बड़ा जो है वो डिफरेंट यूनिक और इन डेप्थ जो है वो आता आहिस्ता जो है ना वो जाना आपको पड़ता है और जैसा कि आपने बात की टीम्स की तो इंटरनेशनली तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो जो टीम डेटा को यूज़ कर रही है वो इंग्लैंड ही है जैसा कि हमें पता भी है सिंस 2015 जो वर्क एक मॉडल है और अब बैस के बाद तो और भी थोड़ा वो ज़्यादा हो गए हैं इस चीज़ की तरफ अच्छा मुझे बैस बॉल के सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ कि बैच जो है हमें ये लगता है कि जी क्रिकेट को रिजुविनेट करने के लिए आके बजी मारो है ना देर मस्ट बी अंस टू इट एज वेल ना ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि यार हम अपनी क्रिकेटिंग क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि हम अपना क्रिकेट फॉर गो करेंगे टेस्ट क्रिकेट फॉर इंटरटेनमेंट देर इज़ लॉजिक टू वॉट दे आर डूइंग ना तो अब वो लॉजिक डिटरमिन कैसे होती है कैसे आप कह सकते हो कि यार इस मोमेंट में आपको छः की रन रेट पर जाना चाहिए या आठ की रन रेट की जाना चाहिए इधर आपको क्या करना चाहिए ये स्टैट्स चलते कैसे आप मतलब कनेक्ट कैसे करते हैं ये डॉट्स अच्छा इज मोर अबाउट सिर्फ इसमें डेटा या स्टैट्स नहीं है uh, इसके दो अगर मैं आपको वाक्य जो अगर मैं आपको सुनाऊं दोनों रिलेटेड टू तो ब्रेंडन मकलम, जो कि अभी इंग्लैंड के टेस्ट के, टेस्ट कोच है ट्वेंटी फिफ्टीन में एक टेस्ट मैच था लॉर्ड्स के अंदर हुँ. उस टाइम मकलम वॉज प्लेइंग फॉर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट वो टेस्ट मैच था एक लंबा टारगेट वो चेज करने आए और उस टारगेट को चेज करते हुए न्यूजीलैंड के जो है ना वो दो तीन आउट हो गए hmm. एक काफी बड़ा टारगेट था मुझे दिया दिया है, लेकिन भी 300 या। hmm. और दो तीन उनके आउट हो गए और उसके बाद पोस्ट पोस्ट खत्म होता, होता है तो उसमें बर्नन में कलम ने जो है वो ब्रिटिश मीडिया को ये बोला कि वी विल अ सेकेंड अटैक ड्यूरिंग दिस चेज तो उन्होंने कहा यार दो तीन आउट हो गए ये कौन सेकंड अटैक की बात कर रहे हैं तो यानी कि वो एक माइंड सेट है कि आप जिस मर्जी सिचुएशन के अंदर हों आपने ये नहीं एज्यूम करना कि हम जो है अब हम लूजिंग पोजिशन में आ गए या हम इसको जीत नहीं सकते hmm. तो न्यूजीलैंड वो मैच जीता नहीं था लेकिन दैट डिफाइंस ब्रेंडन में कलम्स मैंटेलिटी कि वो किस तरीके से जो है ना एक फियर ऑफ फेलियर जो है वो रिमूव करना और दूसरी जो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दूंगा दो में चौदह में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था शारजा में वो एक बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था उस टाइम फिल ह्यूज जो है ही पास्ड वे इन ऑस्ट्रेलिया और उस टाइम पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा था और उस टाइम एक दिन जो है वो मैच भी नहीं हुआ था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का उसको नेक्स्ट डे पे वो ले गए थे और एक बड़ा जो है उस टाइम स्ट्रांग ओपिनियन था विद इन द न्यूजीलैंड कैंप के हमें टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए और इस मैच को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए खैर उनका कोई भी जो प्लेयर है वो उसको खेलना नहीं चाह रहा था या मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलना चाह रहे थे तो बर्ंडन में उस टाइम कैप्टन थे हिमसेल्फ लाइक ही वॉज रिलेक्टेंट टू प्ले तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं गिलबर्ट इनोका न्यूजीलैंड की जो रग्बी टीम है उनके साथ होते हैं वो उन्होंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने जो है उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आप इसको एक ऐसा मैच लें कि अगले जितनी भी क्रिकेट होगी इस टेस्ट मैच में किसी की परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जाएगा ये अब हम सिर्फ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं विदाउट वो जो एक फियर ऑफ फेलियर होता है या जो एक होता है कि हमें लोग जज करेंगे वो आपने नहीं करना एंड देन न्यूजीलैंड केम और उन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट क्रिकेट खेली बर्ंडन आई थिंक इसको डबल सेंचुरी और उन्होंने पाकिस्तान को डिमोलिश कर दिया और पाकिस्तान वो टीम थी जो कि यू में नहीं हारा करती जस्ट बिफोर दैट सीरीज़ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टोनल हराया था वहाँ पर यू ए में और न्यूजीलैंड को भी बड़ा कन्विंसिंगली उन्होंने एक टेस्ट मैच हराया हुआ था तो वो एक जो फियर ऑफ फेलियर है ना ये सारा बर्ंडन में के नज़दीक और आई थिंक सारों के नज़दीक की जो है ना वो एक माइंडसेट होता है स्पोर्ट्स के अंदर माइंडसेट और आपका कॉन्फिडेंस ये बहुत मैटर करता है तो वो चीज जो है ब्रंडन में कलम इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में लेकर आए और आई नो कि अभी रिसेंट उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इंडिया वाली वो सीरीज दे बैडली तो लेकिन इंडिया में कोई भी नहीं जीता एक्जैक्ट दिस इज द पॉइंट कि अगर आप ब्रेंडन में कलम के ये दो साल को कंपेयर करें विद द प्रीवियस टू इयर्स ऑफ इंग्लैंड टीम तो आपको फिर भी जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा एंड द वे ही स्टार्टेड टू विन लाइक विचास का टारगेट है 350 का टारगेट है hmm. तो उन्होंने कहा मसला नहीं हम इसको जो है हमें पिंडी में रहा था exactly, मतलब कि कि वो जो क्रिकेट थी पहले दिन आके आप और वो आई थिंक क्योंकि सर्दी की वजह से मैच जरा ओवर्स कम होते थे तो सेवेंटी फाइव ओवर में आप पांच सौ रन कर दें तो वो एक बड़ी अनप्रेसिडेंट मूव थी तो आई थिंक और फिर थ्री पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट तो वो बस एक माइंड सेट है बैस बॉल इज माइंड सेट इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेटा या रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है बस एक फियर ऑफ फेलियर को रिमूव करना वो इकबाल का इलामा इकबाल का एक शेर भी है कि वो का भी जब बेदार होती है जवानों में तो मंजिल उनको नजर आती है आसमानों में तो बस वही चीज़ है कि आपने जो है एक साइकी चेंज कर दी है अपनी टीम की आ, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना जैक ट्रॉली हो गए जॉनी बेस्टो हो गए आई रिमेंबर रिम्बर कि जब जॉनी जॉनी बेस्टो का वो जो एक गेम चेंजिंग जो है उनका एक सीज़न गया था अभी जब उन्होंने टेस्ट मैचेस जीतना शुरू किए फॉर इंग्लैंड उससे पहले बहुत ज्यादा उनको प्रेशर था कि इनको ड्रॉप कर दिया जाए बट उन्होंने दिखाया है कि अगर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए तो द रिजल्ट्स कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट और अगर हम माइंडसेट की बात करें मैं हमेशा सोचता हूँ ना अब जिस तरह हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे बाकी दुनिया में फुटबॉल में काफ़ी देखता हूँ फुटबॉल में अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू कर दी हैं कि प्लेयर प्रोफाइल्स बनाते हैं राइट सो प्लेयर प्लेयर प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी हाइट क्या है वो आ, किस तरह खेलता है वो इस हमारे सिस्टम में कैसा खेलेगा फिर उसकी मैंटैलिटी कैसी है राइट क्या वो एक यू नो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं उसकी मैं कभी बार सोचता हूँ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की आ, क्रिकेट टीम लें या क्रिकेट इन जनरल लें इंग्लैंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी की है कि प्लेयर डिवीजन आप कह लें इसकी कि यार ये टी ट्वेंटी के लिए ठीक है जिमी एंडरसन को फोकस करो यू नो फॉर अ लॉन्गर टेस्ट करियर इसको ऐसा करो अब उसमें ये आ जाते हैं ना कि लुक एट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इवन मॉर्गन फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपका फर्स्ट चॉइस ना होता कैप्टनसी uh, के लिए वन यू नो ही वेंट ऑन वर्ल्ड कप भी जिता दिया उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी वो आई फील लाइक ट्वीट करते हैं साइकोलॉजिकल एंड अदरवाइज़ आप जब एक प्लेयर को देख रहे होते हैं मिसाल के तौर पे अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट को ये करना चाहिए आ, मिसाल अगर आपको कंटिन्यू करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड कहते हैं मनी बॉल वो जो एक मशहूर फिल्म थी ब्रैड ब्राइडपेट वाली और ओविय बुक भी थी उसमें वो दिखाते हैं कि यार वो यू नो प्लेयर की शक्ल छोड़ दो वो खेलता कैसे रिजल्ट देखो क्या आता है एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ कंसिस्टेंटली दन नसीम शाह शायद पहला स्टार था जो इस्लामाबाद के लिए खेला है उसके अलावा उनके पास डिफरेंट किस्म के स्टार्स होते हैं ना आज़म खान इज़ नॉट योर ए टिपिकल बैट्समैन या जिस ज़माने में हम मिसबा के साथ जीते थे या यू नो रोंकी से आया था रोंकी कौन था समी uh, कि हमने आखिरी विंड निकाली थी जो एक रैंडम सॉर्ट ऑफ करियर पाथ निकल आई थी उसकी खैर मेरा पॉइंट ये कि पहली बात यह है कि हम प्रोफाइलिंग क्या गलत कर रहे हैं फॉर यू नो द्री टू फॉर्म्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट एंड वन फॉर्म ऑफ डेड बॉल क्रिकेट टू एन एक्सटेंड येस Uh, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही यह है कि जो प्लेयर वाइट बॉल में परफॉर्म करता है बेसिकली हमारे यहाँ जो सिलेक्शन होती है ना वाइब्स के ऊपर होती है के ऊपर होती है हवा किस तरफ चल रही है जंपिंग द बैंड वैगन जिसको कहते हैं पंजाबी में कहते हैं लाइ लोग कि एक आप प्लेयर की हवा चल रही है तो उसको हर तरफ ले तो आमिर जमाल बिल्कुल अब आमिर जमाल ने टेस्ट मैचेस बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन लेकिन वो आप उनको ठीक है पी एस एल में उनकी जगह बन सकती है लेकिन आप फॉरन आपने उनको एक स्ट्राइक वाले बना दिया जो आपकी थी तो वो चीज़ बैकफायर कर गई इसी तरह हम देखते हैं कि कोई यंग प्लेयर आता है जिस तरह शुरू में आ, आ, किसी ने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है वाइट बॉल में आप उसको फॉर स्टेट में जो है उसको आप टेस्ट मैचेस में ले आए या अगर कोई प्लेयर जो है आउट ऑफ फॉर्म था उसकी पीएसएल में अच्छी फॉर्म लगी आप उसको दोबारा जो है वो टेस्ट मैचेस में ले आए तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसमें बहुत सा जो आई थिंक रोल है उसमें सेलेक्टर्स का भी है जो सेलेक्टर्स भी बात है एक वो मीडिया प्रेशर होता है सोशल मीडिया प्रेशर होता है तो उसकी आड़ में जो है ना वो कई डिसीजन ले, ले लेते हैं जो कि नहीं होना चाहिए आ, तो वाक्य बिल्कुल ठीक है कि वो जो एक प्रोफाइलिंग होती है ना यानी कि प्लेयर्स को और वो जो स्ने साथ भी होती है ना मिसाल के तौर पे आपने तीन फास्ट बॉलर लेके जाने ज़रूरी नहीं है अगर आप मिसाल के तौर पे इंडिया जा रहे हैं या श्रीलंका जा रहे हैं आपको पेस कहाँ ज़रूरी है कहाँ नहीं है अच्छा इसी चीज़ पे मैं अगर आपसे पूछूं स्टैटिस्टिकली क्या ये भी होता है कभी कभी जिस तरह मैं क्रिकेट देख रहा हूँ आई टेस्ट का इशू होता है क्योंकि आप तो प्योरली फ्रॉम नंबर्स देखते हैं ना मिसाल के तौर पे हम सबको लगता है कि बाबर आजम जी पावर प्लेस लोग खेलते हैं या बाबर आजम फ्लां करते हैं लेकिन जब स्टैट्स आते हैं और स्टैट्स बेस्ड आर्ग्यूमेंट करते हैं तो ऐसा होता नहीं है बहुत सारी इस तरह की मिसाल हैं बहुत सारे लोगों को यू नो एक्स वाई जी प्लेयर पसंद है क्योंकि उनको लगता है इमरान नज़ीर मिसाल के तौर पर हर बंदे को लगता था कि वह बड़ा मारता था लेकिन स्ट्राइक रेट क्या उसकी कितनी डिफरेंट थी टू से यू नो नो आई डोंट रिज़वान आई टेस्ट क्या मैटर करना ही नहीं चाहिए कि यार आपको जो दिख रहा है वो इरेलीवेंट है जो स्टैट्स हैं वो मैटर करते हैं नहीं आई थिंक दोनों चीज़ें मैटर करती हैं आपको जो है वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है ये पैरल जो है चल सकती हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दें मैं ये भी नहीं कहता कि आप सारी जो सिलेक्शनज हैं वो सिर्फ डेटा की बेस के ऊपर करें आई टेस्ट की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है बट आई टेस्ट को भी आपको बैक करना होगा डेटा के साथ जिस तरह अभी फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला शफीक की जो सिलेक्शन थी पाकिस्तान की टीम में वो आई टेस्ट के ऊपर हुई थी hmm. वो किसी डेटा की बेस के ऊपर नहीं हुई थी uh, एक उन्होंने इनिंग्स खेली थी uh, मुल्तान में जो उन्होंने सेंचुरी की थी अपने टी ट्वेंटी डेब्यू ऊपर जब कोविड के दौरान ने एक नेशनल टी ट्वेंटी कप हुआ था उसकी बेस के ऊपर वो टेस्ट में भी सिलेक्ट हो गए उसकी बेस पर वनडे में भी सिलेक्ट हो गए वो तो कोई डेटा नहीं था उनके उसके पीछे ठीक है कुछ उनके मे बी ग्रेड टू के मैचे हों एक अलग कैजन ट्रॉफी की सेंचुरी हो तो वो मिसबा ने उनको आई के ऊपर जो है वो पिक किया था लेकिन आ, आई टेस्ट के ऊपर फेलियर्स भी हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत अरसे तक फवाद आलम का ये क्लेम था मतलब कि उनके करियर का ये क्लेम था कि डेटा की बेस के ऊपर उनको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए लेकिन आई टेस्ट ये कहती थी कि वो नहीं खेल सकता जितने भी उस टाइम फॉर्मर क्रिकेटर्स थे आप उनसे पूछें वो यही बात करते थे जी ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है ये फास्ट बॉलिंग को नहीं खेल सकता ये, ये जो जो भी उसके इश्यूज उस hmm. थे और ये जो है ना लेकिन डेटा ये कहता था कि भाई एक प्लेयर अगर फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर फिफ्टी फाइव की एवरेज कर रहा है और पाकिस्तान में उन सीजन में आसान पिचेज नहीं थी रावलपिंडी में तो दो दो तीन तीन दिन में मैचज़ ख़त्म हो रहे थे उसमें भी उन कंडीशन में भी अगर फवाद आलम फिफ्टी फाइव के एवरेज से खेल रहा है और बाकी कोई प्लेयर्स नहीं खेल रहे तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ही इज़ डूइंग समथिंग वेल लेकिन आई टेस्ट के ऊपर सात साल चलें सात साल तो नहीं लेकिन जब मिसबा और यूनिस रिटायर हुए ट्वेंटी सेवनटीन में जबकि एक खला था और उसमें फवाद आलम का बनता था आपने उनको दो तीन साल नहीं खिलाया कि जी हमारे आई टेस्ट के ऊपर नहीं आता लेकिन डेटा तब ये कहता था कि इसको होना चाहिए तो आप ये देखेंगे बाजाओत डेटा भी गलत हो सकता है लेकिन बाज़ आई टेस्ट भी गलत हो सकता है तो आई थिंक दोनों चीज़ों को जो है ना वो आपको साथ लेके जो है वो चलना पड़ता है और ये क्यों है कि सिर्फ पाकिस्तान की अब टीम ही रहेगी ये मेनली बाकी सारी तो कुछ हद तक स्मॉलर नेशंस असाइड कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर एक प्लेयर है जिस तरह आपने कहा उसका आजकल यू नो हवा चल रही है उसके लिए तो वो हर फॉर्मेट खेलता है अब उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं मिसाल के तौर पे इंजरीज जिस पे भी हम आते हैं कि यू नो स्टैट्स कैन हेल्प देयर कितना उस बंदे ने यू you नो know, अगर हारिस राउफ़ है या कोई है व्हेन ही नीड्स अ रेस्ट व्हेन ही डज नीड अ रेस्ट शाहीन की ये बड़ी बातें होती हैं लेकिन उसके साथ साथ ये भी है ना कि हम तीन डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे मतलब मिसाल पे, के तौर पर वाई कांट वी जिस के मिट्ट के आर आमर जमाल है ना हमारा टेस्ट का एक शूविन बैट्समैन है या शान मसूद हमारा कैप्टन है टेस्ट के लिए और टी ट्वेंटी तो वन डेज नहीं खेलेगा ये क्यों नहीं हो रहा अभी तक देखिए ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता ये जब तक आप टेस्ट मैच का इंसेंटिव जो है वो ज्यादा नहीं करेंगे आप दो डिफरेंट प्लेयर्स नहीं बना सकते पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर जितना मर्जी वो लिप सर्विस दे दे कि जी टेस्ट क्रिकेट पिनाकल है टेस्ट क्रिकेट जो है वो नंबर वन फॉर्मेट है मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ कोई प्लेयर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता सिर्फ वो खेलना चाहता है जिससे टी ट्वेंटी या वन क्रिकेट खेली नहीं जाती जिसके पास स्किल नहीं है जैसे ही जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आएगा उसकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसका अगला टारगेट ये होगा कि मैंने अब वाइट बॉल में कैसे सक्सेसफुल होना है या कैसे पॉपुलर होना है और उसके लिए अगर उसको अपनी क्रिकेट भी चेंज करनी पड़े तो वो करेगा फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट मैच खेलने का पाकिस्तान में आपको कोई साढ़े चार हज़ार डॉलर आपको मिलते हैं या पाँच हज़ार डॉलर भी आप अगर कर लें आप दस टेस्ट मैचेस तो होते नहीं है सात आठ टेस्ट मैचेस अगर मैं कह रहा हूं दस भी अगर आप कर लें पचास हजार तो तो डॉलर बनता है ठीक है साथ आपका कोई रिटेनर होगा मंथली रिटेनर होगा स्टिल यू वुड बी मेकिंग अराउंड मे बी वन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर ये वो पैसे हैं जो कि आप एक महीना टी क्रिकेट खेल के कमा सकते हैं तो कौन सा प्लेयर ये चाहेगा जबकि एक स्पोर्ट्समैन का जो करियर है वही कोई सात आठ साल का या दस साल का होता है या मैक्सिमम पंद्रह साल का होता है तो कौन ये सोचेगा कि मैं जो हूँ अपना पैसे सेक्रीफाइस करके जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलूँ द ओनली वे यू कैन डिवेलप टेस्ट स्पेशलिस्ट इज बाय इंक्रीजिंग द मॉनिटरी बेनिफिट अगर किसी प्लेयर को ये पता हो कि यार वो अगर साल में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है तो उसके जो है कोई ढाई तीन लाख डॉलर बन जाएंगे एट पार विद अदर प्लेयर्स जो के लीग्स वगैरह खेल के बनाते हैं देन ही विल थिंक अबाउट इट Hmm. जब तक उसको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा आ, कोई प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट नहीं आप निकाल के देख लें अगर किसी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया भी टेस्ट में मैं आपको नवाज़ नमाजिल एग्जांपल दे सकता हूं कि वो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं बट हीस वॉन्टेड प्ले टी ट्वेंटी ठीक है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली एक और बात है आप आमिर जमाल को hmm. आज आप उनसे पूछ लेंगे भाई आगे, आगे आपने क्या खेलने उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी क्रिकेट भी खेलें और साथ ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देंगे लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल इस तरह की बन जाएगी कि आप फिर वाइट बॉल स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी आपको साल में कोई पाँच छः फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेलने हैं तो वो आजकल किसके पास इतना टाइम है जितनी लीग्स हो रही हैं जितना वहाँ पे पैसा है तो आई थिंक जब तक वो आप टेस्ट मैच फीस या आपके जो रिटेनर्स हैं उनको आप कोई दो ढाई लाख डॉलर के ऊपर नहीं लेके जाएंगे मैं सिर्फ रिटेनर की बात नहीं कर रहा रिटेनर प्लस मैच फीस इतनी होनी चाहिए कि जो एक आपका ए कैटेगरी का प्लेयर पी में बना रहा है उतनी आपके बन सकें देन जो है शायद हम इस चीज़ को जो है वो बजा सकें अदरवाइज ऐसे ही होता रहेगा अच्छा सर अब थोड़ा सा आप मुझे आ, मेरी मदद करें तो यूजिंग स्टैट्स एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान में चल रही है कि बाबर आजम अच्छा कप्तान था बुरा कप्तान था स्टैट्स uh, अच्छे भी हैं uh, अब वही वाली आई टेस्ट वाली बात आ जाती है कि स्टैट्स अच्छे हैं अगर आप सिर्फ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप्स की बात करें आई थिंक फाइनल था लास्ट टाइम सेमीफाइनल था उससे पहले राइट right? uh, लेकिन वही वाली बात आ जाती है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है ऐसी सीरीज हम जीत जाते हैं लेकिन उनकी बेस्ट टीम्स नहीं आती आपके पर्सनल ओपिनियन में एंड देन सम स्टैट्स टू बैक दैन बाबर आजम अ गुड कैप्टन लास्ट टाइम राउंड और अ बैड कैप्टन बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आपने और बाबर आजम का जो फैन क्लब है ना वो आई थिंक इसके ऊपर मुझे जो है उन्होंने रोस्ट कर करते देखिए मैं जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया था ना तो पाँच छः महीने बाद ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इनको हटा दिया जाए जो कि कम्पलीटली एक गलत नेरेटिव है पाकिस्तान में आपने जब एक डिसीजन लिया है आपने सोच समझ के लिया है तो आपने अब उसको बैक करना है और पाकिस्तान के कल्चर में स्ट्रॉन्ग कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉग से मतलब ये कि ऐसा कैप्टन जिसकी के अपनी टीम में जगह जो है ना वो हंड्रेड परसेंट हो और उसकी रिस्पेक्ट हो जो कि बाबर अजम के उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिजर्व करते थे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने जो है उनको इमिडिएटली उनके फेलियर्स के ऊपर रिमूव नहीं किया उनके वो कुछ मतलब के बड़े मैच हारे भी थे लेकिन उनको तकरीबन चार साल जो है वो मौका मिला उन चार सालों में तकरीबन डेढ़ सौ से ज़्यादा उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में जो है पाकिस्तान की कप्तानी की उसमें टेस्ट मैचेस भी हैं तो आई थिंक के कुछ प्रॉज भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं प्रॉज आपने खुद ही जो है वो जिक्र कर दिया कि दो बार आई थिंक वर्ल्ड कप में डिसेंट परफॉर्मेंस थी एक बार फाइनल में लेके जाना सेमीफाइनल में लेके जाना इंडिया को किसी कैप्टन ने नहीं हराया पाकिस्तान के बाबर आजम ने हराया फिर एशिया कप में भी हराया टेस्ट सीरीज़ कुछ अच्छी जीते थे साउथ अफ्रीका वाली लेकिन मुझे जो एतराज़ रहा है ना वो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर वो ज़्यादा टैक्टिकल जो चीज़ें थी ना जिस तरह मतलब कि मैं आज तक ये हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान ने मेलबर्न में इंडिया के अगेंस्ट दो हज़ार बाईस में चौथा फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाया वहाँ पर कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं थी कोई डेटा इन्वॉल्व नहीं था आपको लगता है कि बाबर आजम डेटा की जगह थोड़ी सी मतलब मैं गैस कर रहा हूँ ऑब्वियसली मुझे नहीं पता बाबर आजम सोचते क्या हैं इज देर बायस क्योंकि कभी कभी मैं बाबर आजम की कैप्टनसी देख के सोचता हूँ मतलब बायस इन द सेंस कि बाबर आजम को एक ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स पसंद हैं और वो उनको सोटो शू इन करने की कोशिश करता है कि यार शदाब खेलेगा नवाज खेलेगा फख मतलब जो जो उसकी एक छोटो sort खेलने of उसके आसपास बॉयज़ हैं उनको शू इन करने के लिए कभी कभी आपने गलत डिसीजन ली हो ड्यू थिंक डेट्स अ पॉसिबिलिटी नो आई थिंक के बिल्कुल भी नहीं है मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता अच्छा। मैं मैं कभी इस चीज की मेरे जेहन में कभी ख्याल भी नहीं आया कि बाबर आजम किसी प्लेयर को इस वजह से खिला ख्या, रहे हैं कि वो उनके दोस्त हैं ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान में गलत नैरेटिव जो है ना वो लोग बिल्ड करते हैं और मोस्टली तब पता है जो मैचे हार रहे होते हैं वही प्लेयर जब मैच जितवा रहा होता है जैसे नवाज है ठीक है बाबर आजम बाबर आजम ने नवाज को बहुत मैचेस में बैक किया है बट अगर आप नवाज की उस टाइम एक दो साल देखें नवाज ने आपको दो बहुत बड़े मैचेस भी जितवाए तो इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में आपको नवाज ने जितवाया था बिल्कुल तो आई थिंक के बाबर आजम की जो आ, उनका जो डिसीजन है उनका अगर वो अपनी कॉन्शियस से कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एलिमेंट होता है कि बंदा गलत डिसीजन ले सकता है तो अगर कोई उनसे गलत फैसला हुआ तो उनके कॉन्शियस से हुआ ऐसा नहीं हुआ कि उसके ऊपर उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था कि वो किसी प्लेयर को बैक करना चाह रहे थे जिस तरह अगर मैं इंडिया वाले मैच की एग्जाम्पल ले लूँ मेलबर्न में तो उसके अंदर ऐसा नहीं था कि उन्होंने नवाज़ को इस वजह से खिलाया या किसी और प्लेयर को इस वजह से खिलाया क्योंकि वो उनके दोस्त थे बाबर आजम की या पाकिस्तान टीम की ये एक साइकी रही है शुरू से कि पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव साइड के ऊपर होता है एक फियर होता है

वो एंड पे जो है वो चीज़ बैकफायर कर गई तो आई थिंक उस टाइम जितने भी लोग थे आ, कोई उसमें डेटा की आपको ज़रूरत नहीं है एक जो है आप कह लें कि बेसिक जो है वो क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट है कि वहाँ पे आपको फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ती है इंडिया के प्लेयर्स जो हैं मोस्टली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के ऊपर आउट होते हैं स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं आ, तो आई थिंक वो एक जजमेंट का जो आप फेलियर कह सकते हैं ये नहीं मैं कहूँगा कि उसमें कोई बाइसनेस जो है वो इन्वॉल्व थी अच्छा एक और मेरा सवाल पाकिस्तान में ये बड़ा होता है जी यू नो मराड्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये एक बड़ा डिबेट चलता है आजकल स्पेशली क्योंकि थोड़े से हमारे बैड बॉयज़ ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहते हैं माद वसीम मामेर ये सब वापस आ रहे हैं और जो भी है इनके साथ थोड़ी सी एक लव हेट रिलेशनशिप चलता है टीम के साथ और टीम पाकिस्तानी फैंस के साथ भी लेकिन मैं ये हमेशा लोगों से आर्ग्यू करता हूँ नाइनटीन नाइनटी टू में मतलब बड़ी मशहूर बातें हैं ये जावेद मियादाद इमरान खान एक दूसरे से नफर करते थे हमारे ग्रेट वसीम वकार की बड़ी राइवलरियाँ थी मोइन खान राशिद लतीफ़ क्या फ़र्क पड़ता है देखिए क्रिकेट वैसी भी एक बहुत बहुत इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट है आ, एंड में बैट्समैन ने बैटिंग करनी है बॉलर ने बॉलिंग करनी है बाकी उन्हें फील्डिंग करनी है दी डू द मतलब डज इट मैटर कि आपकी किसी से दोस्ती आ रही है या नहीं है या बेसिकली यार द बेस्ट एलेवन शुड प्ले और फिर वो बेस्ट एलेवन भी वो होनी चाहिए जो मिसाल के तौर पर जहाँ पर भी वर्ल्ड कप हो रहा है या यू नो याट से चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है वहाँ पे सूट करते हैं मिसाल के तौर पे आमिर एज़ ए गुड रिकॉर्ड जितना मुझे आप इसे बेहतर बता सकते हैं कैरबियन में आई थिंक ही येज़ अ गुड रिकॉर्ड इस तरह की डिसीजन ली जानी चाहिए एंड आपको क्या लगता है कि इमाद और आमिर का कितना रोल होगा इस अगला अपकमिंग न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ भी लेकिन चलें असल में तो वर्ल्ड कप देखें ये जो इशूज़ है ना आ, ये हर टीम के अंदर चलते रहते हैं पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा चीज़ें ये होती हैं डिस्कस आप अभी अगर इंडिया में ही देख लें तो हार्दिक पंड्या जो है वो उनको कैप्टन बनाया गया मुंबई इंडियंस का और रोहित शर्मा जो है वो पहले उनके कैप्टन थे और बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं तो वहां पर भी इस तरह की बातें हो जाती हैं तो ये फैंस में मीडिया में ये बातें होती रहती हैं और मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा आप कोई भी इवन इंग्लैंड के अंदर जो है वो कई ऐसे प्लेयर पीटरसन फॉर एग्जांपल एक जमाने में चले पीटरसन तो एक बहुत एक्सट्रीम है ना इवन रिसेंटली जो है जो इंग्लैंड की टीम जीती है उसके अंदर कई जो है प्लेयर्स के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आ, या जो है वो इस तरह होता है कि आप सारे जो है आपकी उतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती जितनी कि बाकियों के साथ होती है तो आई थिंक पाकिस्तान का आई थिंक कुछ जो बातें की हैं आमिर ने और या इमाद ने टीवी के ऊपर आके वो उनको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन अगर आप उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स की बात करें तो आई थिंक दोनों बिल्कुल मैरिट के ऊपर आते हैं जो आपके इस टाइम फास्ट बॉलिंग की हालत हो गई एकदम से मतलब कि हम बात करते थे जी पाकिस्तान के पास आठ दस ऑप्शन हैं वो कहाँ पे गई हैं सारी कुछ हुआ है तो आपको आमिर को वापस लाना पड़ा है अभी भी हारिस रऊफ़ अगर फिट नहीं होते तो आपको पता ही नहीं है कि आपका चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा तो देन नोइंग आमिर के वो नया बॉल अच्छा करते हैं आपको ज़रूरत पड़ सकती है बैटिंग भी कर लेते हैं सी पी का एक्सपीरियंस है फिटनेस भी उनकी टी ट्वेंटी वाली आपके सामने बिल्कुल ठीक है तो आई डोंट थिंक कि इसमें जो है वो कोई बुराई है इसी तरह माधवसीम मतलब कि वो तो इस टाइम पी एस एल जिस तरीके से उन्होंने पी एस एल जितवाया है कि तीन कंजेगेटिव मैचेज़ में प्लेयर ऑफ द मैच होना नॉकआउट मैचेज में आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और देन अगेन सी का एक्सपीरियंस वहां पे आपको नया बॉल जो है वो उनसे करवाना पड़ सकता है और लास्ट ईयर मैंने उनको देखा था मेजर लीग में यूएस में उसमें उन्होंने हर पावर प्ले में जो है आ, उन्होंने विकेट ली थी हर पावर प्ले में हर मैच में तो आपने यूएस में भी खेलना है तो आई थिंक दोनों की जो है वो टीम में तो बिल्कुल जगह बनती है बाकी आई थिंक बाबर आजम का भी इतना एक्सपीरियंस है वो बाबर आजम पहले आमिर और इमाद के साथ कराची किंग्स में कई साल खेले हैं बिल्कुल बाबर आजम इमाद की कप्तानी के अंदर कराची किंग्स को टाइटल भी जितवाया जब इमाद कैप्टन थे दो 2020 में और बाबर आजम जो है वो प्लेयर ऑफ द फाइनल थे और आई थिंक Uh, ये चीज़ें आनी तो नहीं चाहिए और आई एम प्रटिश श्योर के बाबर अजम भी इतने में चोर हैं इमाद भी इतने में चोर हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए कैसा खेलना है तो आई थिंक दोनों की जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है आई एम प्रटिश श्योर sure के बाबर अजम इनके साथ जो है वो अच्छा ही जो है खेलेंगे और मैं इस इस लाइन ऑफ थाट पर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा एक सवाल है मेरे बीच में शाहन शाह आफरीदी इंजरी के बाद आ, कुछ इज़ नॉट द सेम राइट इसकी में स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग इज़ इट बिकॉज ऑफ ऑल्सो वेर व्यू आर प्लेंग ये क्या फैक्टर इन करता है कि मिसाल के तौर पर इंडिया उनको इतना सूट नहीं कर रहा था या द पिच व डिफरेंट फॉर हिम या इज़ देर अन्यूअन लैप्स इन मतलब आई टेस्ट में तो नज़र आता है एटलीस्ट आई टेस्ट तो ऐसा लगता है कि जो शाहीन हमें पहले यू नो ऑलमोस्ट वो एशिया कप में एक दिन बारिश नहीं हुई थी उसके बाद एक नई पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नजर आई थी पता नहीं क्या हुआ था लेकिन ये ये आपको क्या लगता है क्या इट इट डाउन जस्ट वो ये चाहते हैं कि एक प्लेयर जो है अपने सेवनटी एटी परसेंट लेवल के ऊपर खेलता जाए मुसलसल उनके लिए या जो है वो हंड्रेड परसेंट फिटनेस के साथ खेले लेकिन ओकेजनली खेले हुँ. आप दुनिया में कोई भी तीन फॉर्मेट्स का बॉलर ले लें वो इतना नहीं खेलता जितना कि शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं इंजरी के बाद ठीक है कंसर्न हो सकते हैं लेकिन इंजरी बाकी प्लेयर्स को भी होती है लोग आते हैं रिकवर कर जाते ज़, ज़, हैं जाती जसप्रीत बुमरा है बहुत देर तक इंजरी की वजह से बाहर रही है लेकिन अब जब वो आए हैं तो आपको कहीं से नजर नहीं आएगा कि ये प्लेयर जो है उसकी जो है वर्ल्ड तो आप देखें जिस तरीके से वो आई में बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है तो इंजरी के बाद आए हैं बट ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है उनको हर मैच खिलाएगा अब अगर एक बायलिटरल सीरीज हो रही है तो वो भी बुमराह ने खेलनी है आई भी बुमराह ने खेलनी है वर्ल्ड कप भी बुमराह ने खेलना है सारे टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं नहीं वो उनका वर्कलोड बड़ा स्मार्टली मैनेज करते हैं और यहाँ पे जो है ना वो चीजें जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ऑस्ट्रेलिया में तो अब यहाँ तक वो प्लेयर्स को मॉनिटर करते हैं कि उनके ट्रैकर्स वगैरह लगे होते हैं उसका सारा डेटा वर्कलोड उनके जो फिज है उनके डॉक्टर्स हैं उनके पास आता है और जैसे ही वो प्लेयर का वर्कलोड एक रेड जोन के अंदर जाता है वो उसको कहते हैं कि अब आपने नेट्स में भी बॉलिंग नहीं करनी अगर आपने टेस्ट मैच खेलना है तो आप स्ट्रेट वे जाकर टेस्ट मैच खेलेंगे और ये जो है आपका आपकी सिचुएशन है मुझे भी सिकंदर रजा ने बताया उनसे मेरी बात हुई थी तो वाइल्ड टी ट्वेंटी का बता रहे थे हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है एक डोमेस्टिक लीग का बता रहे थे अब क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं फिर फील्डिंग में भी वो हॉटस्पॉट्स के ऊपर होते हैं तो उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया था कि उनकी टीम ने उनको बोला कि हमारे पास जो डेटा आया है उसके मुताबिक आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आप रेस्ट करें ये नहीं हम आपको कह रहे कि ऑप्शनल है ये ट्रेनिंग सेशन आपने लाजमी रेस्ट करना है ये इंस्ट्रक्शन है आपको तो आई थिंक यहां तक बातें पहुंच गई हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या है अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है न्यूजीलैंड के में जो अभी रिसेंटली हुई है जो पाकिस्तान फोर वन हार है आप ये देखेंगे तीन मैचेस के बाद दो मैचेस आपके डेड रबर हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं या दोना को है यहाँ तो कोई टेस्ट चैंपियनशिप हो पॉइंट्स हैं वर्ल्ड कप है रन रेट मैटर कर सकता है पॉइंट्स मैटर कर सकते हैं कोई वैल्यू नहीं है लेकिन शाहीन पांचों के पांचों डर लेकिन तो तो उसमें तो, तो वो कैप्टन भी था ना तो क्या करते दिस इज द पॉइंट कि आपने वही एक गलत जो है वो डिसीजन लिया कि आपको कैप्टन बनाना ही नहीं चाहिए था यहाँ अगर आप उनको कैप्टन बना रहे हैं तो उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि भाई अगर आप थोड़ा रेस्ट कर जाते हो तो आप रेस्ट इन पीस नहीं होगी आप जो खेलते रहोगे तो आई थिंक जो शहीन का जो वर्क लोड है ना उसको मैनेज करने की ज़रूरत है आप उनको टेस्ट मैचेस खिलाएं उनको पीएसएल बिल्कुल खिलाएं सारे मैचेस खेलें पीएसएल के क्योंकि उसमें उनकी मैच फीस बहुत ज़्यादा है कमर्शलिजम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उनकी आप लीग्स देखें लेकिन ये जिस तरह मीनिंगलेस बायोलिट्रल सीरीज़ हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड की इसमें आई डोंट थिंक के ही वन नीड्स टू प्ले और सेम गोज़ फॉर नसीम शाह जो यहाँ जो आपके जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं अच्छा पहले मैं इस पर आता हूँ एंड इन दैन एल गेट टूट के वाई शुड वी बी होपफुल फॉर अमेरिका वेस्ट इंडीज़ लेकिन उससे पहले आपको मैंने फॉर अ सेकेंड चीफ सेलेक्टर बनाया कप्तान भी पिक करें मिसाल के तौर पर ब्लैंक स्लेट है कोई बाबर आजम कैप्टन नहीं है कोई शाह अफरीदी की फ़िटनेस का आपको पता है एक तो आप मुझे अपने एलेवन बताएँ जो खेलनी चाहिए स्कॉर्ड तो है ही है लेकिन लेट स्टार्ट विध वट यू थिंक इज़ आर बेस्ट एलेवन टू प्ले इन द कैरबियन एंड अमेरिका अभी ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है अच्छा इसमें दो चीजें हैं एक तो ये है कि आपको अभी ये नहीं पता कि यूएस में स्पेशली न्यूयॉर्क में जो पिचेस हैं वो किस तरह की तो वहाँ पे अगर मेलबर्न टाइप की कोई पिच होगी तो आपको चार फास्ट बोल खिलाने पड़ गए तो वो थोड़ा सा आई थिंक आप मार्जिन मुझे दे दीजिएगा ठीक है चलिए बारह कर लेते हैं बारह तेरह तो ग्यारह बता देता हूँ कि जो मेरे मुताबिक जो है अब आपने एकदम से स्पॉन्टेनियसली पूछ लिया तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा आई आई थिंक थिंक स्टार्ट विद बाबर एंड साइम दे इनको जो है वो ओपन करना चाहिए नंबर uh, तीन के ऊपर अगेन uh, देखें डिपेंड करता है मैं हमेशा मैंने ये बात की है कि आपने ये देखना है कि uh, जो आपकी पहली विकेट है वो कब गिर रही है लेट से कि बाबर आजम पहले ओवर में आउट हो जाते हैं या दूसरे ज... ओवर में आउट हो जाते हैं रिजवान तो आप रिजवान को नंबर तीन पे भेजें लेकिन अगर बाबर और साइम जो है वो छः ओवर्स खेल गए या अगर साइम जल्दी आउट हो गए हैं देन रिजवान का नंबर तीन पे कोई काम नहीं फिर आप वही गलती करेंगे जो भी न्यूजीलैंड में हुई कि बाबर और रिजवान दोनों पावर प्ले में साथ में बैटिंग कर रहे हैं और आपने रिजवान का नंबर चेंज कर दिया उससे तो अच्छा था कि आप रिजवान को ओपन ही करवा देते तो आई थिंक आप चले आप पहले रिजवान तीन के ऊपर उसके बाद अब अगर उस्मान खान को ये लेकर आ रहे हैं अगर वो परफॉर्म कर जाते आई थिंक ही शुड भी बैटिंग इन टॉप थ्री ओनली अदरवाइज उन वो भी जो है उनकी इफेक्टिव उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी चार के ऊपर आप फिर उस्मान को कर लें ये एज्यूमिंग रिजवान जो है तीन पे आ रहे हैं ये मतलब स्विच हो गए उस्मान तीन पे लेकिन ये टॉप फोर हो गया आपका नहीं अगेन देखें अगर तो दस बारह ओवर्स खेल गए हैं आपका टॉप थ्री या आ, 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 आपका जो ओपनर्स हैं देन रिजवान को नंबर चार पे भी नहीं आना चाहिए नहीं। देन आप भेजें लाइक like आजम खान या शदाब खान तो भी खैर आप टॉप फोर ये कर लें उसके बाद पांच के ऊपर आई थिंक आजम छ के ऊपर जो है वो शदाब और सात के ऊपर इमाद सॉरी सात एक मैं मिस कर रहा हूँ इफ्तार को हुँ. तो आई थिंक इसके अंदर जो है वो ये फिर आठवा हो गया एक वापस कर लेते ना साइम बाबर बाबर साइम रिजवान उस्मान, उस्मान, पांच के ऊपर आजम छ के ऊपर इफ्तार सात के ऊपर शदाब आठ के ऊपर इमाद एंड देन आपके तीन फास्ट बॉल उसमें होंगे शाहीन नसीम और हारिस रऊफ अच्छा अब ये जो बैटिंग ऑर्डर है ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अगर को के ऊपर बोला तो उसने छ के ऊपर गया समझ तो वो आई थिंक थिंकबिलिटी है टी ट्वेंटी क्रिकेट में सिर्फ ओपनर्स ओपनर्सान है उसके बाद हर नंबर फ्लेक्सिबल अच्छा आपकी स्टार्टिंग एलेवन में आ, मैं थोड़े से आपसे सवाल इसके बाद में पूछता लेकिन पहले ये था ये तीन फास्ट बॉलर हो गए डी यू ओपन द बोलिंग एंड शाहीन देखिए अगेन ये डिपेंड करता है कंडीशन किस तरह की अब जिस बारबेडॉस की पिच है वहां पे अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सुपर जो एट राउंड है तो बारबर की पिच हर दिन एक नई पिच होती है मैंने जब भी वहाँ पे सी पी एल देखा या कोई देखा आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो अगर तो फास्ट बॉलिंग की कंडीशन हैं आप फास्ट बॉलिंग के साथ ओपन करें अगर कोई टर्न है आपको लगता है कि कुछ हो सकता है स्पिनर्स के लिए आप इमाद को जो है वो दो तीन ओवर्स करवा सकते हैं और अगेन इमाद की भी जो इसमें जगह है वो कोई फिक्स नहीं है अगर तो कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको चार फास्ट बॉलर जो है वो खिलाने पड़ रहे हैं देन इमाद की जगह या शादाब की जगह आपको शादाब चले शायद बैटिंग ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं फील्डर अच्छे हैं तो मे बी उनको रिप्लेस करना मुश्किल हो लेकिन आपको चौथा फास्ट बॉलर की ऑप्शन ओपन रखनी पड़ेगी एंड दैट फोर्थ बॉलर कुड भी मोहम्मद आमिर या अगर आप आमिर जमाल को लेकर जाए लेकिन हम एक बैट्समैन कम नहीं कर सकते मेरा सवाल आपसे दूसरा था वाई डू यू थिंक हमें आजम खान लेके जाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अभी तक आजम खान ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया देखें अगर आप यहाँ पे आता है सारा डेटा और स्टैट्स अगर आप पिछले दो तीन सालों में देखें तो जितने छके आजम खान ने मारे हैं अमंग पाकिस्तान बैटर्स इतने और किसी ने नहीं मारे और मिडल ओवर्स में आके हिटिंग करने की स्किल बहुत कम लोगों के पास है वो आजम खान इज़ वन ऑफ देम जो आपने बात की इंटरनेशनल क्रिकेट की आज़म खान 2021 में पहली बार सेलेक्ट हुए थे तीन साल हो गए हैं इन तीन सालों में एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि उन्होंने तीन से ज़्यादा कंजर्गेटिव मैच खेले हों आप उनको दो तीन मैचेस खिला के ड्रॉप कर देते हैं पाँच छः बार वो ड्रॉप हो चुके हैं ये जो हाई रिस्क क्रिकेट है अगेन आप देखें कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस्लाबाद यूनाइटेड में जाके क्यों परफॉर्म करते हैं बाकी जगहों पे नहीं करते क्योंकि उनकी टीम इतना कॉन्फिडेंस देती है उनको कि भाई तुम ही हो जिस तरह आगा सलमान है आई पर्सनली थिंक कि शायद वो अगर किसी और टीम में होते तो दो तीन मैचेस खेल कर ड्रॉप हो जाते लेकिन जिस रोल में इस्लामा ने उनको यूटिलाइज किया बिल्कुल उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं ठीक है सेकंड हाफ में इतने अच्छे नहीं थे लेकिन पहले हाफ में जब उनके ओपनर्स नहीं चल रहे थे तो उन्होंने उनकी टीम को सपोर्ट की है तो आई थिंक किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना उसका रोल देना उसको बैक करना और पावर हिटिंग जो है ये बड़ी एक वनरेरेबल जो है वो पोजिशन होती है कि आप आ रहे हैं रिक्वायर्ड रेट पहुंचा हुआ है बारह के ऊपर तेरह के ऊपर आके आपके ओपनर्स जो हैं वो आधी आधी इनिंग्स खेल गए हैं और आप एक पावर हिटर को जज कर रहे हैं जिसका काम है कि उसने आते हिटिंग करनी है आप डेटा निकाल के देख लें आजम खान ने क्वालिटी क्रिकेटर्स जो हैं, जो अच्छे अच्छे हैं पाकिस्तान है। तो no के अच्छे-अच्छे फास्ट में परफॉर्म नहीं कर सकता सिर्फ एक फिटनेस की जो है वो वो ये डबल नहीं भाग सकता ये नहीं कर सकता है अगर तो आप उनकी कीपिंग कीपिंग और टी20 क्रिकेट में अगर तो एक प्लेयर आपको इतना बेनिफिट दे रहा है कि मिडिल ओवर्स में आके हिटिंग कर रहे हैं एंड पे हिटिंग कर रहे हैं स्पिनर्स को टेक ऑन कर रहा है सीपीएल का उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि चलो यार ठीक है हम इसको ऐसे कीपर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि टी ट्वेंटी क्रिकेट में अगर एक फंबल हो भी जाए मैं उस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा लेकिन एक फंबल अगर हो भी जाए एक अगर किसी कीपर से तो उसका जो फॉल आउट है वो इतना स्वीर नहीं होता जितना कि टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में होता है क्योंकि वनडे क्रिकेट में अगर आपने शुरू में किसी को कैच छोड़ दिया तो वो सेंचुरी कर सकता है टी ट्वेंटी क्रिकेट में चीज बहुत रेयर है और टी ट्वेंटी क्रिकेट में कीपर के पास बॉल भी बहुत कम आती है इसमें भी अगेन आपको डेटा देखना पड़ेगा ऑन एवरेज आई थिंक एक प्लेयर के पास जो है ना वो पच्चीस तो फम्बल होती है, तो फंबल की होती है। आ, और थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए कि आजम से जब भी फंबल होगा ना तो लोग उसकी स्किल के ऊपर बात नहीं करेंगे उसकी फिटनेस के ऊपर बात करेंगे अगर कोई और कीपर है हारिस है या रिजवान है उससे अगर कोई फंबल होता तो लोग कहेंगे कि यार मुश्किल था था, या ड्रॉप कर दिया बस हाँ तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान को स्मार्टली इसके ऊपर देखना होगा अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज़म खान जो है परमानेंटली उनको होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट पंद्रह में तो वो आते हैं उसके बाद जो है फिर आप देखें कि आपके जो बाकी ऑप्शन हैं वो क्या हैं और एक और मैं जो प्लेयर मैंने शायद उनको डिस्कस नहीं किया वो फ़खर जमान है क्योंकि उस्मान खान का एक्सपेरिमेंट अभी हमें पता नहीं है कि वो कितना कामयाब होगा तो फखर को होना चाहिए स्कवाड़ तो में फखर को स्क्वाड में जो है आई थिंक आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा कि इन केस बल्कि आई थिंक आपको ये बारह जो टी हैं वर्ल्ड कप से पहले उसी में आइडिया हो जाएगा कि उस्मान फिटिंग हो रही है कि नहीं देन उस्मान कैन कीप अगर तो उस्मान वाला आइडिया कामयाब हो जाए नंबर तीन के ऊपर या टॉप थ्री में देन यू कैन से कि शायद आप आज़म खान की आपको जरूरत ना पड़े क्योंकि hmm. आप उस्मान को आप कीप करवा सकते हैं रिजवान को भी यहाँ रिजवान कर लें कीपिंग और मिडल ओवर्स का जो मसला है अगर जो आज़म खान जो हिटिंग करते हैं वो अगर ऊस्मान खान आपका मसला सोल्व कर देते हैं

तो वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट था वो शुरू में मार तो वो अब देखें ना यहाँ पे आप बॉलर को मिस यूज कर रहे हैं वर्ल्ड कप में जो आखिरी दस ओवर्स थे इंडिया वाला वर्ल्ड कप आई नो फिफ्टी ओवर्स है उसका भी अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया बल्कि काफी खराब वर्ल्ड कप गया लेकिन आप आखिरी दस ओवर्स में उनका इकोनॉमी देखें अमंग फास्ट बॉलर इट इट वॉज सेकंड बेस्ट आफ्टर जसप्रीत बुमराह तो इतनी मार खाने के बाद भी जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में जो है सेकंड बेस्ट बॉलर है इन द डेथ ओवर्स यहाँ फाइनल ओवर्स जो होते हैं दस ओवर टी ट्वेंटी में चार पाँच ओवर्स होते हैं तो आई थिंक और जरूरी नहीं है कि आपके पास तो अब जितनी ऑप्शन हैं ज़रूरी नहीं है कि आप हारिस को चार ओवर्स करवाएं आप उसको सिर्फ दो या तीन ओवर्स करवा लें एंड पे या एक ओवर उसको मिडल में करवाएं दो एंड पे करवाएं आपके पास अब सात आठ बॉलिंग ऑप्शन हो गई हैं इफ्तार बॉलिंग कर सकते हैं साइ बॉलिंग कर सकते हैं इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे हैं तो आई थिंक उनकी डेथ ओवर्स की स्पेशलिटी को देखते हुए हारिस को आई थिंक ग्यारह में होना चाहिए आमिर को मैंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि आमिर की स्पेशलिटी है नया बॉल हुँ. और नए बॉल के लिए आप देखें आपके पास शहीन भी है आपके पास नसीम भी है आपके पास साइम भी है आपके पास इमाद, इमाद भी है हुँ. तो आपके पास चार ऑलरेडी जो है वो नए बॉल के बॉलर हैं। डेथ ओवर्स के पास आपके पास स्पेशली सिर्फ हारिस ही है तो अगर हारिस फिट होते हैं तो आई थिंक के हारिस नसीम और शहीन आपके जो है ना फर्स्ट चॉइस तीन फास्ट बॉलर होने चाहिए आमिर जो है वो ऐसे फोर्थ फास्ट बॉलर खेल सकते हैं अगर uh, बारबडोस में आपको लगता है कि वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है न्यूयॉर्क में आपको नहीं पता अभी कि कैसे पिछच कोई आडिया नहीं है और अच्छी बात यह कि पाकिस्तान थोड़ा बाद में वहाँ पे खेल रहा है पहले वहाँ पे कुछ मैचेस हो गए होंगे न्यू यॉर्क में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की पिच है तो आई थिंक आमिर भी जो है वो ग्यारह में फिट इन हो सकती है और आपका फेवरेट कौन है ये वर्ल्ड कप के लिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि नॉर्मली हम वाइट बॉल में जो है वो इंग्लैंड को कहते होते हैं कि जी वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो फेवरेट होंगे लेकिन अभी उनकी भी जो फॉर्म है रिसेंट कोई अच्छी नहीं जा रही तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली बट के जो uh, अगर मतलब वो जब कर जाएंगे आगे जो नेक्स्ट राउंड है उसमें अमेरिका में मैचेस नहीं है तो वेस्ट इंडीज की ऐसे पिचेस हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स को सूट करती हैं तो आई थिंक इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है फॉर दिस वर्ल्ड और आपका डार्क हॉर्स कुड वेस्ट इंडीज यूनिट घर पे यार देखें लास्ट टाइम मुझे मेरे से किसी ने पूछा था मैंने वेस्ट इंडीज का बोला था तो वो पहले राउंड में बाहर हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में <laughs> बट कंसिडरिंग द होम कंडीशंस और कंसिडरिंग द फॉर्म ऑफ देयर देयर प्लेयर्स जिस तरीके से अभी पुरान खेल रहे हैं हुँ. जिस तरीके से आंध्र रसल की भी फॉर्म जो है वो वापस आई है आई थिंक वेस्ट इंडीज़ जो है वो वो डार्क हॉर्स हो वो आपका जो है डार्क हॉर्स हो सकता है और अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की बहुत सारी बातें चल रही हैं 2025 में पाकिस्तान में आपको क्या लगता है चांसेस <laughs> कि ये ये वर्ल्ड ट्रॉफी पाकिस्तान में हो देखिए पाकिस्तान में ही होगी मेरे मुझे तो कोई जो अच्छा? है कोई डाउट नहीं लग रहा क्योंकि अभी आईसीसी की टीम भी आई थी पाकिस्तान में वो वेन्यूज की इंस्पेक्शन करके गई हैं एंड देन तमाम टीम्स जो है पाकिस्तान आ चुकी हैं इंडिया, है? इंडिया के लिए इंडिया के अलावा मतलब इंडिया के तो का तो एक डिफरेंट सीन है जितनी टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं तो देर इज नो रीजन टू थिंक कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं होगी जो एक जो सिर्फ डाउट है वो ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा कि नहीं तो वो आई थिंक पाकिस्तान की और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना ये हमेशा से बड़ी इंटरेस्टिंग रही है जब हालात ठीक होने पे आते हैं तो विद इन डेज जो है आप देखते हैं कि ठीक हो जाते हैं नाइनटी नाइन में यू नेवर नो बट इन वर्स्ट केस इन जिस तरह एशिया कप हुआ था एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आई थिंक शायद वो वाली ऑप्शन भी होगी तो मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये बड़ा एक जो है वो डिफिकल्ट डिसीजन होगा जिन्होंने भी करना है बट आई होप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हाँ एशिया कप की तरह ना हो वो तो क्या हमें क्या मिला था दो मैच खैर आप अभी इंडिया गए हुए थे खुद आ, टेंशन के बारे में तो नहीं आपको पता लेकिन आप इंडिया से रिसेंटली टूर करके आए क्या हालात हैं उधर क्या पाकिस्तानियों आपको कैसे ट्रीट किया गया वट वॉज दैट एक्सपीरियंस देखिए मैं कोई पचास दिन था वहाँ पे पचास दिन और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये पता चला होगा कि मैं पाकिस्तान से आया तो वो मतलब कि दोनों तरफ लोग एक तरह की हैं लैंग्वेज एक तरह की है तो जहां पे भी मैं गया वो तो मुझे इंडियन ही समझते थे जो मेरे कोलीग्स थे उन्हीं को बस पता था कि मैं पाकिस्तान से हूं लेकिन ये है कि वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब मैं जब मैं वीज़ा अप्लाई करने गया तो वो एक आपको एक एफिडेविट जो है वो, वो मुझे बनवाना था किसी कोई मेरा डॉक्यूमेंट मिसिंग था उससे रिलेटेड तो जब मैं बनवाने गया तो उनको जब मैंने बताया मैं दो महीने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे मुंह देख रहे थे कि हंस रहे थे कि यहाँ पर लोगों को एक दिन का वीज़ा नहीं मिलता जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो समझे तो शायद मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ तो खैर वो आई थिंक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था मैं पहले भी एक बार गया था ट्वेंटी में वो एक महीने का टूर था ये तकरीबन दो महीने का था तो मुझे अच्छा ये लगा कि इस बार मैंने नए शहर देखे हैं लास्ट टाइम मैं दूसरे शहरों में था तो हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर पुणे hmm. तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और आई थिंक के लोग वहाँ पे अगर किसी को पता चल भी जाए कि आप पाकिस्तान से हैं तो आपको बड़ा स्पेशल वो ट्रीट करते थे कि ये पाकिस्तान से आए हैं और फिर खाने भी वहाँ पे बड़े मेहमान नवाजी मेहमान नवाजी आई थिंक वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में इवन hmm. जो हमारे कुछ इंडिया के जो जो अपना कोलीग्स हैं जब वो पाकिस्तान आते हैं तो बड़ा इन्जॉय करके जाते हैं तो इसी तरह जब मैं वहाँ पे गया तो आई थिंक मेरा ट्वेंटी वाला टूर भी बहुत अच्छा था और ये वाला भी जो आई थिंक काफी अच्छा था चलिए गुड इनशा वो भी आएंगे तो हम भी मेहमान नवाजी करेंगे अच्छा सर अब चलते हैं थोड़ी सी एंड ऑन ऑन का ट्रिवी है क्या है लेकिन आई वॉन्ट यू टू रैंक द बैट्समैन इन ऑर्डर फ्राम बेस्ट टू वर्स ठीक है इन वाइट बॉल क्रिकेट ठीक है सो मतलब मेनली ओडीआई काफ़ी मुश्किल में डाल रहे हैं हाँ हाँ ओ डी आईज य है इसकी वजह ये है कि सारे शायद टी ट्वेंटी खेले नहीं है अच्छा सचिन तेंदुलकर विराट कोहली इंजमाम हक रोहित शर्मा बाबर आजम आई थिंक पांचवी बेस्ट है वर्स्ट का अगर आप वर्ड ने कहा चले बेस्ट टू लीस्ट बेस्ट तो नंबर वन सिर्फ व्हाइट बॉल की बात करते हैं वाइट बॉल सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट देखिए उसमें फिर ये यह जिसन तेंडुलकर हैं वो टी ट्वेंटीज इतने ज्यादा नहीं खेले हाँ तो मैं सिर्फ ओडीआई की बात करूँ बिकॉज ऑनस्टली हाँ क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते जाती है क्योंकि वो टी ट्वेंटीज नहीं खेले सिर्फ आपने फिफ्टी ओवर वाली हेट लग पहननी है अभी आई थिंक के नंबर वन वुड बी विराट कोहली ठीक है नंबर टू वुड बी सचिन तेंडुलकर ठीक है नंबर थ्री आई वुड से रोहित शर्मा ठीक है नंबर फोर इंजमाम एंड नंबर बाबर आजम ये मेरा बड़ा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है और मैं एक बात यहाँ पे जरूर ये करूंगा कि बाबर आजम का जो करियर है ना वनडे का भी जो है वो आप देखें तो सात आठ साल का है बाकी होंगे जो करियर हैं वो पंद्रह बीस साल लंबे तो अगर तो बाबर आजम इतनी वनडे क्रिकेट खेल जाते हैं तो हो सकता है कि वो इनसे बेहतर कर जाए लेकिन जो मेरी है है ना ना उसके अंदर जो थ्री है ना, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छा अब रोहित शर्मा को भी दाने। Interesting. हाँ, तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना मैं अगर रैंक करूंगा तो कोहली तेंडुलकर रोहित इन क्योंकि मैच विनर थे जितवाते थे एंड है अच्छा अब मैं आपसे फास्ट बॉलर्स को पूछूंगा ठीक है मैं वसीम और वकार को नहीं डाल रहा क्योंकि वो मुझे लगता है पाकिस्तान के प्लेयर्स आने थे आपने वो क्वेश्चन नहीं निकाल आ, नहीं, 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 नहीं वसीम <laughs> वकार को डालेंगे तो फायदा नहीं है ना वसीम वसीम भाई तो बुमराह शमी शोब अख्तर मोहम्मद आमिर शाहीन शाह अगेन सिर्फ सिर्फ आपने टी ट्वेंटी वाली उनकी करियर साइड पर टेस्ट पर करते हैं बुमराह शमी शोएब अख्तर आमिर शाहीन सो नंबर वन वुड बी बुमराह नंबर टू शुएब अख्तर नंबर थ्री शामी नंबर फोर शाहीन अफरीदी एंड नंबर फाइव मोहम्मद आमिर मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई ये किया वो किया लेकिन नहीं Uh, देखें ठीक है लेकिन वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज है उनकी लेकिन आप सिर्फ जो है वो परफॉर्मेंस को ना देखें आप उसमें भी थोड़ा स्किल को भी लेकर करें क्योंकि आमिर का देखें उनका करियर कितना लंबा है और शाहीन का जो करियर है और वनडे क्रिकेट वैसे ही बहुत कम हो रही है तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक जो शाहीन है ना वो इन टर्म्स ऑफ स्किल या जो उनका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है अब आमिर ने ठीक है वो बहुत बड़ा आपको मैच जितवाया लेकिन आई थिंक वनडे अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको ज़्यादा मिली बिल्कुल तो वो वनडे क्रिकेट एक्चुअली उतनी हो नहीं रही तो ये बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को ना मतलब डिफरेंशिएट कर करना ठीक है अच्छा इसी फॉर्म ऐसे में वही वाली बात है ना ओ को इसलिए रखते हैं कि इट्स द ईजिएस्ट बैलेंस ऑलराउंडर्स भी बातें ठीक है, है? इमरान खान हार्दिक पांड्या अब्दुलरजाक जिदेजा और शाहिद अफरीदी इमरान खान और हार्दिक पांड्या खान हार्दिक पांड्या रजाक रविंद्र जिदेजा और शाहिद अफरीदी देखें ये तो इजी है नंबर वन तो होंगे इमरान खान नंबर टू होंगे शाहिद अफरीदी आप अगर उनका हाँ। सारा करियर वगैरह निकाल के देखें नंबर तीन पे आई थिंक अब्दुल रज़ाक और नंबर चार के ऊपर जो है वो एंड फिफ्थ वुड बी जडेजा ठीक ये क्योंकि इसमें तीनों पाकिस्तानी आ गए हैं और ये नहीं है कि मैंने जानबूझ के हाँ हाँ हा, नहीं नहीं सही है आपने था उसमें तीनों बैटिंग में तीनों इंडियन डाले थे बिल्कुल अभी तक मुझे तो लगता है बैलेंस जा रहा है अब थोड़ा सा मजा आएगा फॉलोइंग कैप्टन इमरान खान एम एस धोनी सौरव गंगुली रोहित शर्मा और पाकिस्तान में मुझे और कोई मिल नहीं रहा था तो वसीम अकरम मैंने डाल ही क्योंकि मुझे कप्तान समझ नहीं आ रहा था और तो ये पांच हैं इनको अपने रैंक कर रहे क्योंकि मैं गंगुल मेरे, मेरे तो अच्छा इसमें भी अगेन इमरान खान मेरा नहीं ख्याल में इमरान खान से बड़ा जो है so. अच्छा. इमरान खान का जो इम्पैक्ट था ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर एक ग्लोबल क्रिकेट के ऊपर तो आई वुड इजीली से इमरान खान जो है वो नंबर वन होंगे धोनी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं ये तो फॉर्मेट स्पेसिफिक तो नहीं है ना ये तो बस एज ए कैप्टन नंबर तीन पे आई थिंक वसीम अक्रम

तो बट स्टिल आई थिंक इमरान खान का तो इजी है ना या no धोनी के ऊपर आप चलो कह सकते हैं इमरान बट आई धोनी वसीम एंड गोहिच ठीक है चलें आपने हमें बड़ा टाइम दिया बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की uh, मेरा सिर्फ एक आखिरी आपसे सवाल है और वो ये है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितना ज़्यादा स्टैट्स और डेटा मतलब हम हमने भी बहुत सारी बात की पी में आ रहा है ऐसा आ रहा है कैन यू सी अ वर्ल्ड यहाँ एक ऑलमोस्ट एल्गोरिथमिक टीम बन रही हो वेयर आपने आ, आई टेस्ट जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा मसला ये है कि आजम खान जी फिट नहीं है तो ने, वो जो अभी भी बात आई थी कि वो दस किलोमीटर नहीं भाग सकता ऐसा है वैसा है हमसे वो आई टेस्ट से ना हट नैरेटिव के लिए आई टेस्ट भी गलत बात है नैरेटिव से हटा नहीं जाता ये चेंजेस लाने के लिए आपको लगता है कि पीसीबी को बदलना पड़ेगा या आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे चेंज आनी पड़ेगी देखिए इसके अंदर चेंज हर जगह पे जरूरत है इवन जो फैंस हैं उनके बिहेवियर में चेंज आने की जरूरत है और मैं इस वजह से ये बात करता हूँ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो फैंस हैं ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं जो रिएक्शन वो देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टिल करते हैं आपके मेन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है दैट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सोशल मीडिया के और फिर आपके जो डिसीजन होते हैं कोई इसको माने या ना माने आपके जो डिसीजन हैं हर जगह पे ना सिर्फ क्रिकेट में पॉलिटिक्स में बाकी जगहों पे वो अवान को खुश करने के लिए अवान क्या कह रही है उस तरह के डिसीजंस होते हैं और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ यूनस खान पाकिस्तान के कोच थे और उन्होंने जो है ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है कि जब आप लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं तो हमें प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है तो आई थिंक कि ये जो सारी चीज़ें जो है ना ये जो सिलेक्शन का जो एक प्रोसेस है इसमें बहुत सी चीज़ों में आपका मीडिया है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है फैंस को थोड़ा सा एजुकेट होना है आपके जो सिलेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है प्रेशर को जो है ना वो हैंडल करना आना चाहिए कि भाई ठीक है अगर हमने किसी प्लेयर को पिक किया अगर उस पर बैकलैश आएगा भी आपने उसको जो है बर्दाश्त करना है आपने प्लेयर्स को बैक करना है तो जैसा आपने बात की आज़म खान की देखें अगेन डेटा अगर आप देखें आज़म दुनिया के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मिडल ओवर्स में आके अच्छी हिटिंग करते हैं आपको आजम खान का वहाँ पे नाम नज़र आएगा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एंड पे आके अच्छी हिटिंग करते हैं आपको आज़म खान का वहाँ पे नाम नज़र आएगा उनकी फ़िटनेस के ऊपर देखें उनकी जो आपने बात की कि दो किलोमीटर नहीं भाग सके या जो भी है ये एक डिफरेंट डिबेट अगर आपने उनकी फ़िटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर जो है इस फिटनेस के साथ खेल सकता है तो अब आप

उसने दो तीन मैचेस में परफॉर्म नहीं किया वो ड्रॉप हो गया और बात उससे उससे कीपिंग में कुछ फंबल्स हुए थे उस सीरीज में लेकिन वो बहुत मुश्किल जो है पिचेस थी वहां पे आप देखें एक सौ दस एक सौ बीस करना मुश्किल था तो जब बॉल ब्रेक हो रहा हो टर्न हो रहा हो तो वहाँ पे अच्छे अच्छे कीपर से जो है वो कीपिंग नहीं होती उनसे फंबल्स हुए इसकी फिटनेस नहीं है तो भाई आपने सेलेक्ट क्यों किया तो आई थिंक अब अगर आपने आजम खान को सिलेक्ट किया तो एक फिटनेस का जो डिबेट है ना उसको साइड पर कर दें आप बात करें उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो उसमें आई थिंक वो ठीक है बाकी जो आपने जो बात की है वो मैंने आई थिंक आपको बता दिया कि आपकी काफी चीजों को जो है ना वो चेंज होना पड़ेगा आउटलुक आउटलुक चेंज चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। पड़ेगा सबसे ज्यादा है आपको पेशेंस चाहिए आपने प्लेयर्स को बैक करना है आप जो बड़ी बड़ी टीम्स देखते हैं या जो प्लेयर्स देखते हैं जिन्होंने के रिसेंटली परफॉर्म किया है कई मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है लेकिन उनकी टीम्स ने उनको बैक किया जिस तरह हार्दिक पंड्या का आप देख लें उन पर बहुत बुरे फेज़ आए होंगे बुमराह को आप देख लें कि उनका साल था कि उनकी एक साल में अस्सी नब्बे की एवरेज थी लेकिन वहाँ पे ये बातें नहीं हुई थी कि जी ये इंटरनेशनल बॉलर नहीं रहा अब या जो है ये इसको रीड कर ली है या इसकी फिटनेस नहीं रही आपने इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है जो टैलेंट शाहीन अफरीदी में है जो टैलेंट बाबर आजम में है जो टैलेंट मोहम्मद रिजवान में है ये आपको ईजीली इस तरह के क्रिकेटर्स नहीं मिलते अगर इनका कोई इशू है कोई इनका बैड फेज चल रहा है स्ट्राइक रेट के इशूज हैं आपने उन चीज़ों को ठीक करना है बजाय इसके कि आप प्लेयर्स को बिल्कुल ही जो है वो मतलब साइड पर कर, दे। कर देंगे जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है तो आई थिंक इसमें काफ़ी लोगों को जो है ना वो चेंज होने की जरूरत है जब जब पाकिस्तान के सिलेक्शन की बात आती है जान सर चले बहुत कुछ सीखने को मिला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट थैंक यू कैज फॉर वाचिंग इफ यू जो अर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड वो सीव फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट